दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि हमें एक्स लुकअप से किस प्रकार से ये वाले डेटा को यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसके अंदर हमें दो बटन ऐड करने हैं, प्रिंट प्रीव्यू के और प्रिंट के बटन। किस प्रकार से हमें यहाँ पर फाइल में जाकर प्रिंट नहीं देना है, हमें सीधा डायरेक्ट यहाँ स्क्रीन पर दो बटन ऐड करने हैं, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट का बटन। तो प्रिंट प्रीव्यू का बटन हम पहले ऐड करना सीख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो यहाँ पर टूल बार है इसमें डेवलपर का बटन ऐड करना है, ठीक है। यदि आपका ऐड है तो ठीक है, नहीं ऐड तो आपको यहाँ पर उसके लिए पहले यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद में कस्टमाइज द रिबन में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए राइट साइड में देखिएगा डेवलपर, तो आपको डेवलपर के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से इसे ओके कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर इस आपके टूल बार में डेवलपर का बटन शो होने लगेगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डेवलपर पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई देगा, तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपको बटन ऐड करना है आपको वहाँ पर इसे ड्रैग करना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग करा, तो जैसे मैंने ड्रैग किया तो देखिए हमारे पास में एक नया बॉक्स ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने न्यू पर क्लिक किया हमारे सामने एक VBA प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पर एक शॉर्ट कमांड लिखनी है, तो पहले मैं एंटर मारकर थोड़ा इसे स्पेस बना देता हूँ। अब हम यहाँ पर वो शॉर्ट कमांड लिखेंगे, आप इस शॉर्ट कमांड को अपने पास लिखकर रख सकते हैं ताकि आप भी इसे यूज़ कर सकें। तो आपको यहाँ पर लिखना है एक्टिव शीट, उसके बाद में आपको डॉट लगाना है और फिर यहाँ पर लिखना है प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो एक्सेल का साइन दिखाई दे रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर देखिए मैं पहले हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इस बटन का हम नेम दे देते हैं, इसके लिए हम इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पर एडिट टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। देखिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर दूसरा बटन ऐड करेंगे, प्रिंट का बटन। तो प्रिंट का बटन ऐड करने के लिए देखिए हमें डेवलपर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करना है, फिर एक नया बटन यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर हमें ड्रैग करना है, ठीक है। फिर यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर एंटर मारना है, एक बार और एंटर मारना है, फिर बीच में हमें यहाँ पर एक नई कमांड लिखनी है, तो आप उस कमांड को भी लिख कर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है एक्टिव विंडो डॉट सेलेक्ट शीट्स। देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड शीट आ रहा है, आप इसको टैब की से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लगाना है डॉट, फिर यहाँ पर लिखना है आपको प्रिंट आउट। देखिए प्रिंट आउट भी आ रहा है, आप इसको टैब की से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर एक्सेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब इस बटन को एडिट कर लेंगे। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और इस बटन का नाम दे देंगे प्रिंट। अब देखिए जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रिंट कमांड चालू हो गई और ये प्रिंट आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने एक्सेल शीट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट बटन को ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट बटन को किस प्रकार से हम एक्सेल शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।